सबसे पहले एक कार्डधारी को 35 किलो अनाज मिलता था 35 रुपया में, चाहे वो सिंगल आदमी हो या तो उसमें कुछ अधिक मेंबर में भी 35 किलो मिलता था। लेकिन अब जो है सो सरकार इसको आम आदमी के पीछे 5 केजी कर दिया, तो प्रति आदमी 5 किलो के दर से चावल मिलता है। डीबीटी आने के बाद में वो कैश दे रही है, मतलब पैसा दे रही है, अनाज के बदले में पैसा पहले दे रही है, फिर पैसा से आप अनाज खरीदिए, लेकिन डीलर के यहाँ से ही खरीदना होगा। अब यहाँ सरकार एक तरफ फायदे के लिए कर रही है, यहाँ लाभुकों का के फायदे के लिए कर रही है, लेकिन यहाँ बैंक से पैसा लेना और बैंक से पैसा लेने के लिए यहाँ पब्लिकों को, जनता को काफी परेशानी हो रही है। उसमें क्या हो रहा है कि आधार से लिंक है, खाता नंबर लिंक है, अब किसके नाम पर वो वहाँ पैसा आ रहा है ये प्रज्ञा केंद्र भी बता नहीं पा रहा है और बैंक वाले भी बता नहीं पा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। शहर में तो प्रज्ञा केंद्र है, लेकिन मान लीजिए शहर से 10 किलोमीटर दूर भी गांव है, अब वहां तो प्रज्ञा केंद्र का सुविधा नहीं है। अब सुविधा नहीं है तो उनको वहां से आने के लिए गाड़ी भाड़ा करना होता है, प्लस उनका समय का बर्बादी हो जाता है, 3-4 दिन एको हफ्ता लग जाता है, इस तरह से बहुत उनका नुकसान हो जाता है। उनका कमाने का जो मजदूरी करने का जो एक दिन का जो कमाता है वो कई दिन उसका मार खा जाता है। नंबर देने के बाद में वो बोलता है कि ठीक है आपका पैसा लीजिए और बदले में 30 रुपया दीजिए, वो वहाँ 30 रुपया ले लेता है। और यहाँ प्रज्ञा केंद्र में पब्लिकों से जितना बार भी वो चेक करवाया उससे 10 रुपया प्रति आदमी से, जाएगा जितना बार भी चेक करवाया उससे 10 का वसूली वो करता है। नहीं लेने पर वो कहता है डीलर द्वारा या सरकार का कुछ है योजना, हो सकता है होगा, वो बोल देता है कि आपका राशन नहीं लीजिएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा राशन कार्ड। चाहे पैसा आया है या ना आया हो, आपको राशन बचाने के लिए, कार्ड बचाने के लिए आपको राशन घर का पैसा से छुड़ाना होता है। इस योजना से तमाम पब्लिक, तमाम कार्डधारी पूरी तरह से परेशान है। कहीं कोई बैंक का चक्कर काट रहा है, तो कहीं कोई प्रज्ञा केंद्र का चक्कर काट रहा है, तो कहीं कोई सिम, जहां से सिम लिया सिम बैंक का चक्कर काट रहा है। तो इस योजना से पूरे पब्लिक परेशान है, इस योजना से किसी को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है।